नमस्कार सर, नमस्कार स्वीटी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ स्वीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया। सर, हमारे साथ लाइन पर आशीष हैं, मेरे दोस्त आशीश। ये मेरी अपलाइन है कुश सर। सर, आशीष के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सर, ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है और ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी और जिज्ञासु हैं सर ये, इसलिए मैंने इनको हमारी कंपनी का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया है। इनफैक्ट सर, मैंने इन्हें आपका ही यूट्यूब चैनल वाला वीडियो दिखाया है। सर, इनके मन में ना वीडियो देखने के बाद काफी डाउट्स थे सर, तो उन्हें क्लियर करना चाहते थे। तो मैंने इनसे कहा ठीक है, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको अपनी अपॉइंट से मिलवाती हूँ सर। इसके लिए मैंने आपसे टाइम मांगा सर, और जैसा कि आप जानते हैं सर, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए सर हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। इसलिए मैंने आपसे ऑनलाइन मीटिंग के लिए ही टाइम लिया है सर। हाँ हाँ जरूर स्वीटी, जरूर। तुमने मुझे बताया था आशीष के बारे में। और आशीष कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर, मैं अच्छा हूँ सर, मैं आशीष, अभी हम आपके साथ बात करने वाले हैं। जैसा स्वीटी ने बताया, ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी का ही टाइम है और इस समय पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, चाहे स्कूलों की पढ़ाई हो या फिर ऑफिस का जॉब हो। जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चालू हो चुका है। जितने बच्चे स्कूल और कॉलेज जाके पढ़ते थे, अब ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे हैं। तो एक्चुअली अब आगे से जो बिजनेस है वो ऑनलाइन ही होगा ज्यादातर, यानी ये साल तो पूरा ऑनलाइन ही जाने वाला है। तो बहुत बढ़िया किया स्वीटी, आपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। और सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल, पूरा इंडिया, पूरा देश, हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं। 125 करोड़ देशवासियों से इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जुड़ते हैं वो। तो आगे भी इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए काम करना है। तो वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो आशीष और बताइए अपने बारे में, स्वीटी ने तो आपकी काफी तारीफ करी है, और थोड़ा बताएं अपने बारे में। सर। वैसे मैं रहने वाला बिहार का हूँ सर, मैं बाकी दिल्ली आया हूँ सर कुछ काम की तलाश में, और साथ के साथ पढ़ाई के लिए भी सर। तो जी अभी मैं दिल्ली में काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, और साथ के साथ मैं कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा था सर। मेरे परिवार में सर मेरी माता जी और 3 भाई हैं जो कि गांव में ही रहते हैं, बाकी दिल्ली में सर मैं आया हूँ सर अपने करियर के लिए, कुछ काम करके, कुछ पढ़ाई करके, कुछ कर पाऊँ। क्या बनना चाहते हो आप? अगर जो तैयारी कर रहे थे तो क्या उद्देश्य है आपका बनने का? बस सर तैयारी करके सर चाह रहा था कि सर कोई क्लर्क वाली जॉब लग जाए सर, जिसमें सर आराम से काम करूँ सर, और फ्यूचर सर थोड़ा सिक्योर रहे, बस यही लगा रहता है मन में सर। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, और बहुत बढ़िया है, बहुत वंडरफुल। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इट्स गुड, इट्स वंडरफुल। हर आदमी यही चाहता है आशीष, जैसा आप चाह रहे हो। जैसे आप और मैं अगर बात करूं तो आप और मैं काफी हद तक सिमिलर हैं। मेरे पिताजी भी नौकरी में थे और उनकी देखा देखी मैं भी नौकरी ही करना चाहता था। यही वजह था कि मैं बहुत पढ़ाई करता था, मैं खूब पढ़ता था ताकि मैं भी एक दिन सरकारी नौकरी हासिल कर सकूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी 3 सिस्टर है और हम 2 ब्रदर हैं, मैं सबसे छोटा हूं। तो अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, और मैं भी चाहता था कि मेरी भी एक सरकारी नौकरी लगे। तो तुम्हारे और मेरे घर के हालात बिल्कुल एक जैसे ही हैं आशीष, और ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो आपके जीवन में चल रहा है, एक समय में मेरे जीवन में भी चल रहा था आशीष। आज एक मौका मिला है कुछ नया करने का, अपने जीवन में बदलाव को लेकर आने का। तो मुझे, जैसा कि ये सेशन हमारा सवाल जवाब को लेकर है, कुछ आपके मन में पता चला है सवाल चल रहे हैं, तो क्या आपके मन में कुछ सवाल हैं? सवाल तो है कई सारे सर मन में कई सारे हैं सवाल। तो जी मैं सर। आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप मुस्कुराते हुए बात कह रहे हैं तो आप परेशान नहीं होइए। आपके मन में जितने सवाल हो ना, आप उतने सवाल पूछिएगा,
क्योंकि एक्चुअली वो सवाल आप मुझसे पूछकर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सवाल आप पूछ तो मुझसे रहे हैं लेकिन आप मेरे काम के रिगार्डिंग सवाल पूछ रहे हैं, आप मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाने वाले हैं, आप काम के ऊपर सवाल कुछ करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सवाल करना, क्योंकि यदि आप सवाल कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये बहुत अच्छी बात है आशीष। क्यों अच्छी बात है? ये दर्शाता है कि आप जिज्ञासु हैं, आप जानना चाहते हैं कुछ। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं आशीष, जिनके मन में सवाल होता है लेकिन वो सवाल पूछते नहीं है, वो मन में दबा के रख लेते हैं। बट सवाल पूछना अच्छी बात क्या है, सवाल पूछने में अच्छा क्या है आशीष? अच्छा ये है, यदि आपके मन में सवाल है और उन सवालों के यदि आपको जवाब मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। जब आप क्लियर हो जाएंगे तो खुलकर और बढ़िया से काम करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे ना तो भविष्य में आप आगे ग्रो करेंगे, आप कामयाब बनेंगे और एक सक्सेसफुल लीडर भी बनेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि सवाल पूछना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, और आप अगर सवाल पूछेंगे तो सिर्फ आप नहीं, यहां स्वीटी मेरे साथ यहां पर हैं, इन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो कोई भी सवाल पूछे तो घबराना नहीं है, ये समझना कोई सवाल पूछ रहा है तो ये अच्छी बात है, और उनके हर सवाल को सुनिए और उनके हर सवाल को जवाब देने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है आशीष? तो आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे एक एक करके पूछें, मैं आपको एक एक का जवाब देता हूं।